अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों तथा घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुर्घटना को सरकार की लापरवाही का एक और उदाहरण करार देते हुए कहा कि नूरपुर बस हादसे से शुरू हुआ सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और सरकार इन बस हादसों को रोकने के कोई भी प्रभावी कदम उठाने तथा नीति अपनाने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों तथा घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुर्घटना को सरकार की लापरवाही का एक और उदाहरण करार देते हुए कहा कि नूरपुर बस हादसे से शुरू हुआ ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार इन बस हादसों को रोकने में कोई भी प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि हर बस हादसे के बाद मृतकों एवं घायलों के परिवारों को मुआवजा देना तथा तथाकथित जांच करवाने की रस्म अदायगी के साथ ही दुर्घटना को भूल दिया जाता है और जिन परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं वे आजीवन उस दर्द को सहते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि शिमला बस हादसे के उपरांत परिवहन मंत्री का आचरण तो पूर्णतः अवमाननीय रहा। शिमला अपने कार्यालय में होने के बावजूद मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल तो पहुंचे, वो भी रात को करीब 8 बजे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे संवेदनशील मंत्री को एक क्षण भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए तथा हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। शिमला में हुए बस हादसे में जो स्कूली बच्चे और ड्राइवर उसका शिकार हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और जो उसमें बच्चे घायल हुए हैं उनको और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट करने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये बस हादसों का सिलसिला जो नूरपुर बस हादसे से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और सैकड़ों लोग जो हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। सरकार जब भी कोई हादसा होता है, मुख्यमंत्री मंत्री एक मुआवजे की और उसके बाद तथाकथित जांच की एक रस्म अदायगी करने के बाद इन हादसों को भूल जाते हैं और इनका शिकार हुए परिवार जो हैं वो ताउम्र इस दर्द को झेलते रहते हैं। सरकार इन हादसों को रोकने के लिए कोई योजना, कोई नीति और कारगर कदम उठाने में पूरी तरह से विफल रही। पिछले कल के जो हादसा है शिमला में घटित हुआ, प्रदेश के परिवहन मंत्री सचिवालय में अपने कार्यालय में मौजूद थे और उनका आचरण इतना अमानवीय रहा। शिमला में बस दुर्घटना होती है, स्कूल के बच्चे उसमें मारे जाते हैं, ड्राइवर उसका मारा जाता है और मंत्री महोदय अपने कार्यालय से उठकर घटनास्थल का दौरा नहीं करते और घायलों से मिलने के लिए भी शाम के 8 बजे आ देते हैं। इस तरह के असंवेदनशील मंत्री को मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को तुरंत पद से हटा देना चाहिए और जो हादसे का शिकार लोग हुए हैं उनको ना केवल मुआवजा बल्कि मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की दुर्घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं, अगर इन पे रोक लगाने में सरकार कामयाब होगी तो मैं समझूंगा कि इनसे कोई सबक सरकार ने लिया है और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए।